इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच से पहले भारतीय टीम लीसेस्टर शायर के खिलाफ अभ्यास मैच खेल रही है। मैच के पहले दिन बल्लेबाज की बल्लेबाजी फेल रही। कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के चार खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह, चेतेश्वर पुजारा, प्रसिद्ध कृष्णा और ऋषभ पंत लीसेस्टर शायर के लिए खेल रहे हैं। वहीं भारत के लिए कप्तान रोहित शर्मा के साथ शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। लीसेस्टर शायर के लिए तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने स्पेल की शुरुआत की। पहली बार रोहित शर्मा किस मैच में बुमराह का सामना कर रहे थे। सातवें ओवर में बुमराह की इन स्विंग रोहित शर्मा के पेट के निचले हिस्से में आकर लगी और वो दर्द से खराब हुए। इसके बाद टीम के फिजियो को भी मैदान पर आना पड़ा। अंतर्राष्ट्रीय मैच से लेकर आईपीएल तक में जसप्रीत बुमराह रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार हैं, लेकिन आज रोहित को गेंद लगी तो बुमराह ने देखा भी नहीं और वापस अपनी गेंदबाजी रनअप की तरफ लौट गए। वहीं विकेटकीपर की भूमिका निभा रहे ऋषभ पंत ने जाकर रोहित शर्मा का हाल पूछा। फिजियो के आने के बाद भी बुमराह अपनी टीम के खिलाड़ियों के साथ खड़े थे, जबकि पंत रोहित के पास ही थे। अभ्यास मैच के पहले दिन बारिश की वजह से 60 ओवरों का ही खेल हो सका। भारतीय टीम ने 8 विकेट खोकर 246 रन बना लिए। रोहित शर्मा ने 25 जबकि विराट कोहली ने 33 रनों की पारी खेली। 81 रनों पर टीम के 5 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। इसके बाद विकेटकीपर के एस भरत ने एक छोर संभाला। खेल समाप्त होने तक भरत 70 रन बनाकर नाबाद थे। मोहम्मद शमी 18 रन बनाकर उनका साथ दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से रोहित शर्मा को बुमराह ने चोटिल किया वो काफी चौंकाने वाला रहा। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।